मा क्षिप्रा मा मंदाकिनी न्यास के अध्यक्ष के रूप में मुझे मध्य प्रदेश सरकार कमलनाथ सरकार ने नियुक्त किया है। उसके तहत मैं और मेरे संत समाज के साथ में आज नर्मदा माँ का पूजन करके अर्चन करके और दुग्धाभिषेक करके और आज से शुरुआत करेंगे। माँ नर्मदा के आंचल को दागदार नहीं होने देंगे। जो अवैध खनन हो रहे थे अब अवैध खनन नहीं होंगे और माँ नर्मदा के जो गंदगी या जो कचरा है वो माँ नर्मदा को साफ सुथरा रखेंगे। कल कल करती बहती रहे हमारी माँ नर्मदा, उसका हम ध्यान रखेंगे, पूरा संत समाज ध्यान रखेगा और नर्मदा के दोनों पट्टी में जो हमारी परिक्रमावासी चलते हैं उनके लिए हम सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। उन्हें जाने में, भोजन में, शौचालय में, रहने में क्या असुविधा होती है उसकी हम व्यवस्था की तैयारी करेंगे। साथ में हरियाली की भी ध्यान रखेंगे कि दोनों तरफ पौधे लगें। उसके तहत आज हम शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ आरती पूजन करेंगे और इसके बाद प्रारंभ करेंगे। बाबा जी, शिवराज सरकार में आपको मंत्री का दर्जा मिला था लेकिन कमलनाथ सरकार में आपको मंत्री पद का दर्जा नहीं दिया गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अब मुझे नर्मदा से मतलब है, क्या पद है क्या नहीं है उससे मुझे कुछ ऐसा नहीं है। और न मैं इसको, मुझे तो नर्मदा का, उस समय भी शिवराज सरकार ने नर्मदा का काम दिया था तो हमने किया और जब देखा कि वो अवैध खनन नहीं हटा रहे थे, वो धर्म विरोधी काम कर रहे थे तो हमने उस पर विरोध किया और उससे हमने जब नहीं माने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी तो हमने इस्तीफा दे दिया। और जब यहाँ हम लोगों ने, सारे संत ने इन पर विश्वास रखा और कमलनाथ सरकार ने जब मुझे इस बात पे और नर्मदा की सेवा के लिए मुझे संत समाज को अवसर दिया है तो मैं आपके माध्यम से कमलनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा।